हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे जनइबि जे इंडियन एयरफोर्स तरफ जो रैली रही जहाँकि ओडिशा रे ही होबा को जाउची। केबे हबो ना 4 फेब्रुवारी स्टार्टिंग होउची, रैली स्टार्टिंग होउची। तो फुल नोटिफिकेशन आपण सामने रे जहाँकि मुझे देखि पारथे स्क्रीन माध्यम रे। तो कौन रही फुल डिटेल्स मुझे आपण जनइबि, बास आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। देखंतु नोटिफिकेशन टी बहुत बड़ अच्छी, मुझे शॉर्ट रे जनइबि जहाँकि गोटे बेसिक जिनस जड़े कैंडिडेट्स जानवा दरकार, अप्लाय करने पूर्व गोटे कैंडिडेट्स जानवा दरकार। फर्स्ट देखंतु रैली केउठे हबो ना ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी ग्राउंड, ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर, गंजाम, ओडिशा, एठी आपनकर रैली हेबो। देखंतु 4 फेब्रुवारी 2020, 5 फेब्रुवारी 2020 एई दिन आपनकर टेस्ट रहउछि मेडिकल असिस्टेंट पई। 4 फेब्रुवारी 2020 रे आपनकर कोन टेस्ट रहउछि ना फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहउछि एंड रिटन टेस्ट मध्ये रहउछि। 4 फेब्रुवारी 2020 रे आपनकर फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहउछि, ता सहित आपनकर रिटन टेस्ट रहउछि कोउथि पई ना मेडिकल असिस्टेंट पई। ता पर दिन 5 फेब्रुवारी आपनकर रहउछि अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 2, ए दुईटा टेस्ट आपनकर रहउछि 5 फेब्रुवारी 2020। तापर 6 फेब्रुवारी 2020 हेटा रिजर्व डे रहिछि, जदि भी कोनोसी टेस्ट रही जाए कि माने बाकी रही जाए 4 या 5 न हो पारिला ताले आपनकर 6 फेब्रुवारी ताकु कंप्लीट करा जिवो। तापर टेस्ट रहउछि कोथि पई ना ऑटो टेक्निशियन एंड इंडियन एयरफोर्स पुलिस पई रहउछि। से दिन रहउछि 7 फेब्रुवारी 2020 फास्ट आपनकर फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहइबो, तापर आपनकर रिटन टेस्ट रहइबो। ता पर दिन 8 फेब्रुवारी दिन आपनकर अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 1, अडैप्टेबिलिटी टेस्ट 2, क्लियर। तापर देखंतु डेट ऑफ बर्थ रहिछि जे 17 जनवरी 2000 रु 30 डिसेंबर 2003, एही डेट भितर आपनकर जन्म होइथिबा दरकार। देखंतु एठी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन रहिछि, ऑटो टेक्निशियन आउ इंडियन एयरफोर्स पुलिस पे कौन रही आपण मैंने 10th+2 पास कर दरकार, सहित आपंकर 50% मार्क एग्रीगेट रोचे। तापर पदवीटी अच्छी कौन मेडिकल असिस्टेंट पे जो पदवी रोचे रही आप 10th+2 पास कर दरकार, ये 50% मार्क एग्रीगेट रोचे। ता सहित आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, इंग्लीश यही तीन थे आप सब सब्जेक्ट आप रही दरकार, मैंने ये 2+2 साइंस पे अप्लाय करेंगे कौन ना मेडिकल असिस्टेंट जो पदवी रोचे आपको 2+2 साइंस पे अप्लाय करेंगे 50% मार्क ये एग्रीगेट रोचे। देखो ये मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये कौन रही, ऑटो टेक्निशियन कौन रही हाइट रही 165 सेमी रही, तापर इंडियन एयरफोर्स पुलिस रही हाइट 175 सेमी, आ मेडिकल असिस्टेंट रही हाइट 152.5 सेंटीमीटर आपंकर हाइट होता दरकार। तो वेट मध्ये मेंशन कराई, चेस्ट मध्ये मेंशन कराई। फुल नोटिफिकेशन आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवि, आपठ डाउनलोड करी फुल नोटिफिकेशन देखिए। तापर एटी देखंतु डॉक्यूमेंट आपण माने कौन कौन नेबे, जहाकि जो दिन आपण रैली अटेंड करिया जाउछन आपण कौन कौन डॉक्यूमेंट नेबे आपण सहित, जहाँकि निहाती गोटे कैंडिडेट्स नबा दरकार। कौन नेबे ना HB पेंसिल नेबे, इरेजर नेबे, शार्पनर नेबे, गम ट्यूब नेबे, स्टेपलर नेबे, ता सहित ब्लैक किंबा ब्लू बॉल पॉइंट पेन नेबे। आपण जो दिन रैली अटेंड करिबे जाउछन लिखिबापई आपण ब्लैक किंबा ब्लू बॉल पॉइंट पेन नेबे। तापर देखंतु एठी रहिछि आपण माने सबुथुरु 4-4टा कॉपी नेबे, ता सहित ओरिजिनल मध्ये नेबे, जहाँ कि आपनकर 10th सर्टिफिकेट हैला कि 2+2 सर्टिफिकेट हैला, आधार कार्ड हैला, जहाँ भी डॉक्यूमेंट अच्छे सब तार जेरक्स नेबे, ता सहित आपनकर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नेबे। जेरक्स केतरा नेबे 4टा लेखा जेरक्स नेबे, अधिका नै गले भी बहुत मे बी बेटर हबो। आपण माने सबुथरे आपनकर सेल्फ अटेस्टेड होइथिया दरकार। तापर देखबा एपोर्ट कोन अछि, देखो ये पे स्केल कहुबले आप सिलेक्ट होती, जदि आप सिलेक्ट होती जिते आप ट्रेनिंग जी तो ट्रेनिंग पीरियड बेले आपको मिल 14,600 टाँचा। जिते आप जॉइनिंग पीरियड को आसवे जिते आप जॉइन करेंगे तापर आपर सैलरी हो 26,900 टाँचा। तापर ये देखा फिजिकल फिटनेस टेस्ट कौन रोचे ना फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या जी कह आप 1.6 किलोमीटर रनिंग कर दरकार, केते मिनट रे ना 6 मिनिट 30 सेकेंड्स आप 1.6 किलोमीटर रनिंग कर दरकार। ता सहित आपंकर 10 पुशअप्स रही, 10 सिटअप्स रही, ता सहित आपंकर 20 स्क्वाट्स रही विदिन स्टिपुलेटेड टाइम। जदि आप स्टिपुलेटेड टाइम भितर जदि आपसबू जिनस कर डिस्क्वालीफाए होजे। तापर देखा ये रिटन टेस्ट कौन अच्छी ना आपंकर फास्ट आपर फिजिकल टेस्ट रोब, तापर आपर रिटन टेस्ट हम। रिटन टेस्ट आपको ये 45 मिनिट टाइम दिजिव, ऑफलाइन रे एग्जाम देवे पेन पेपर धरिक एग्जाम देवे। कौन कौन सिलेबस रही ना 10th+2 CBSE सिलेबस एंड रिजोनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो जमी कंपिटेटिव एग्जाम जेनेली जहाँ रुए ता अच्छी,
ରିଜୋନିଂ ଅଛି, ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଛା ଆପଣଙ୍କ ଏକ ମାର୍କ ଲେଖା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 0.25 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରରୁ ଡିଡକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଯିବ। ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ, ଯେଉଁମାନେ ଡିଫେନ୍ସ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ରାଲି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହିରଖେ ଯେ ଆକୁ କେବଳ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କୌଣସି ମହିଳାମାନେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନେ ହିଁ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏଇ ରାଲି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଯାଇ ଫୁଲ୍ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହୁଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ଆଉଥରେ ଭଲସେ ଫୁଲ୍ PDF ପଢ଼ିସାରି ଆପଣ ରାଲି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଉ ଏମିତି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ, କିଛି ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। Thank you.